लालबरा मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत खारी में ट्रांसफार्मर के पास स्थित पानी की टंकी के नीचे 3 फीट पानी से भरे गड्ढे में गिरने से 2.5 साल के बच्चे की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार पूर्ववांश पिता ओम प्रकाश चंदेलवार उम्र 2.5 साल निवासी कनकी का रहने वाला है, जो 15 दिन पहले अपने नाना तेजराम लानगे के घर ग्राम पंचायत खारी आया हुआ था। 19 अगस्त को सुबह 7 बजे खेलते खेलते बालक पूर्ववांश अपनी नानी को नहीं दिखा तो उसकी नानी ने पड़ोस में उसकी जानकारी ली तो काफ़ी देर तक उसका पता नहीं चल पाया, लेकिन घर के पास ही पानी की टंकी के पास बने गड्ढे में बालक पूर्ववांश की चप्पल दिखाई दी। बच्चे की नानी ने पास जाके देखा तो पूर्ववांश पानी में डूबा हुआ था, जिसे तुरंत निकाला गया और पड़ोसियों की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालबरा लाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि पानी की टंकी के पास बने गड्ढे में पीएचई विभाग का काम करीब 10 दिनों से चालू था, जिसमें पाइप में लीकेज को बंद करने के लिए मरम्मत की जा रही थी, जिसके लिए गड्ढा खोदा गया था। इसी गड्ढे में डूबकर 2.5 वर्ष के बच्चे की मौत हो गई। 2 वर्ष 6 माह का बच्चा वार्ड नंबर 6 निवासी अनिता लानगे जी, जो पंच वार्ड नंबर 6 थी, उन्हीं का नाती है। जब बच्चा को ढूंढने के लिए परिवार के लोग, तो जब नानी या नाना भी इधर तो ढूंढे, बच्चा नहीं मिल पाया। उसके बाद में नानी ही उस रोड से गुजर रही थी ढूंढने के लिए बच्चे को, तो बच्चा जो पंचायत की टंकी बनी है, जो वहाँ से पाइपों के निकला गया है, भी वहाँ पर नल का पानी आता था, वो नल जल के गड्ढे में भी पानी भरा हुआ है। कम से कम 2-2.5 फीट का गड्ढा होगा शायद, ऐसा लग रहा है। पानी नल का भी पानी चालू वहाँ पर अभी, तो उसकी नानी की नज़र पड़ी तो उस बच्चे को उसने निकाली और चिल्लाने लगी कि ये घटना घट गई। तो फिर सभी लोग गांव के हर मोहल्ले पड़ोस के लोग दौड़े। क्या हुआ, ये हम लोग मेडिकल में मेडिसिन खरीदने आए थे, वैसे में हल्ला होने लगा कि बच्चा घूम गया। तो जब हल्ला होने लगा तो हम लोग भी वहाँ पहुँच गए, देखे तो उसकी नानी ने बच्चा निकाल चुकी थी। उसके बाद फिर बच्चा निकाल चुके थे। उसके बाद में उस बच्चे को हम लोग यानी कि घर लेकर गए, कुछ जान होंगी कहे। उसके बाद में हमको कुछ समझ में नहीं आने लगा, उसको हॉस्पिटल लेकर के आ गए लालबर्रा। तो एक ही बच्चा खेल रहा था कि बहुत सारे बच्चे जो भी खेल रहे थे? वो एक बच्चा वैसे तो अकेले खेल रहा था, ऐसा समझ में आया, क्योंकि उसके साथ में कोई बच्चे नहीं थे। फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद हम लोग गए सामुदायिक केंद्र में लेकर के आए। जानकारी ये है कि वो पंचायत के द्वारा गड्ढा यानी कि वो तुम्हारे कुछ यानी पाइपलाइन के हिसाब से खोदा गया था, उसको पूछा नहीं गया। आज वो गड्ढा नहीं होता तो बच्चे की जान नहीं जाती। सही में दुखद घटना है, अप्रिय घटना घटी है, जिससे मेरा एक निवेदन है शासन प्रशासन से कि उन्हें अब देखो जो गया वो तो वापस आ नहीं सकता, लेकिन ये शासन से निवेदन है कि जो प्राकृतिक आपदा के तहत जो सहायता राशि होती है अनुदान के स्वच्छ अनुसार दिया जाए, ना हित में होगा। देखो जो घटना बिल्कुल असहनीय है, जो घटी है इस पर किसी का कोई वो नहीं रहता, लेकिन अब कुदरत को जो पता है वो तो होता है। अभी क्या हो रहा है? अभी तो लास्ट लाइफ पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम की अभी कार्रवाई चल रही है। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया जाएगा और फिर ग्राम पंचायत द्वारा काम संधारण करवाया जा रहा था। 2 फीट का गड्ढा था, लीकेज को बनवाया जा रहा था, लेकिन अभी 15 अगस्त की व्यवस्था के कारण पीएचई के कर्मचारी आ नहीं पा रहे थे, जिसके कारण वो गड्ढा रह गया था। और उसमें ये बात है कि मृतक की जो नानी है वो वार्ड नंबर 6 की पंच है हमारी, उनके द्वारा बार बार आवेदन दिया जा रहा था कि हमारे वार्डवासी पानी के लिए परेशान कर रहे हैं, तो आप इसको सुधार कार्य करवाइए। इसलिए मेरे द्वारा सुधार कार्य ग्राम पंचायत के द्वारा पीएचई के माध्यम से करवाया जा रहा था। नल जल योजना की पाइपलाइन? हाँ, नल जल योजना की पाइपलाइन। पर सर, जानकारी के अनुसार प्राप्त जानकारी ये लगी है कि गड्ढा का काम हो चुका था, उसके बाद भी गड्ढा नहीं हो गया था। गड्ढे का काम अभी भी अपूर्ण है, इसलिए वो गड्ढा रह गया है। पर तो कुछ ढाकी वाकी नहीं गई थी? वो उस पर 2 फीट का गड्ढा है, उस पर कोई बैरिकेड्स वगैरह वैसे तो नहीं लगाए गए थे, लेकिन वो थोड़ा आउटसाइड में भी था। बच्चा गलती से खेलते खेलते चला गया, इसका दुख है हमें कि